कांग्रेस पार्टी के अमित चचान को दोबारा टिकट मिलने पर आज लाहौर पहुंचने पर उनका हुआ स्वागत। वहीं दूसरी ओर बीजेपी पार्टी के विधायक गुरदीप शाह पीणी को भी टिकट अब संग्रिय से दी गई है और आज मिर्जी अली मेहर और मेहर वाला गांव में पहुंचने पर हुआ है उनका स्वागत और उन्होंने ज़मीन को छूकर लिया है जनता से आशीर्वाद। और वहीं दूसरी ओर आदर सत्कार का जो सिलसिला अब चल निकलेगा, चलिए आपको नौहर लिए चलते हैं। नौहर के अंदर विधायक अमित चचान टिकट मिलने के बाद क्या कह रहे हैं, क्या आगे की उनकी योजना है, सुनिए। विधानसभा क्षेत्र के वासियों के लिए गौरव की बात है, जो हमने 5 वर्ष तक लगातार एक सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम किया, पार्टी के प्रति वफादारी रखी, आज उसी का परिणाम है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो सूची जारी की गई है वो आज उसमें पहले स्थान पर अपना नाम आया है और 33 प्रत्याशियों में नौहर विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशी घोषित किया है। जो हमारे अधूरे काम जो बचे हैं, चाहे हम बात करें 14 गाँव को सिंचित करने की बात हो, चाहे सुई ब्रांच के नवनिर्माण नहर की करने की बात हो, चाहे एटा सिंगरासर के वंचित गाँव को नहर से जोड़ने की बात हो, चाहे हमारा जो जिला वंचित है उसको जिले बनाने की बात हो, और विशेषकर आने वाला ये 5 वर्ष का कार्यकाल युवाओं के लिए समर्पित होगा। युवाओं की जो विशेष मांगे इस बार बच गई थी उन युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आपका बेटा बनकर, आपका छोटा भाई बनकर, आपके सेवक बनकर सेवा की है। मैं, मेरे पिता राजेंद्र जी चाचाण 24 घंटे 365 दिन क्षेत्र की जनता के बीच में रहकर काम करने का काम किया। आज नौहर ही नहीं, पूरे भारत का कोई भी व्यक्ति ये आरोप नहीं लगा सकता कि अमित चाचाण व राजेंद्र चाचाण के राजनीति के माध्यम से हमने 1 रुपया को रिश्वत में दिया है। अगर ये साबित करे तो मैं विधायक पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। सच्चाई, ईमानदारी और विकास के नाम पर मैं अपील करता हूँ कि आने वाले 25 नवंबर को आप कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करें और एक बार पुनः राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम करें। देख रहे हैं जिस तरह से जोश और जुनून है, कल दोपहर को टिकट की घोषणा हुई और अब मैं नौहर में पहुंचा हूं तो पूरे विधानसभा क्षेत्र के तमाम जाति धर्म के लोग जो यहां बैठ आकर जो मुझे आशीर्वाद दिए है, इन्होंने निश्चित तौर पर यह कर दिया जो पिछली बार से हम जीते थे उसे 2 गुना वोटों से जीत कर हम राजस्थान की विधानसभा पहुंच सके। अमित चचान के द्वारा कहा गया कि नौहर के अंदर जो काम बच गए हैं, जैसे सिंचाई का जो मुद्दा है उस पर काम किया जाएगा। अगर जनता मौका दोबारा देती है तो हमारी सरकार बनती है तो हम युवाओं पर और जनता के जो खास बचे हुए काम हैं उसको करवाने का प्रयास करेंगे, इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। वहीं दूसरी ओर गुरदीप शाह पीनी के द्वारा भी जनसंपर्क शुरू किया गया, अमित चचान के द्वारा भी जनसंपर्क शुरू किया गया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी पार्टी के द्वारा जो टिकटों का वितरण किया है, कुछ थोड़ा बहुत विरोध की बातें भी सामने आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी नौहर की एक टिकट घोषित हुई है लेकिन नौहर से कोई अभी तक कांग्रेस पार्टी में विरोध का सुर कोई उठा हो ऐसी बात सामने नहीं आई है। पीड़ी बंगा की बात करें, चाहे हम संगरिया की बात करें, वहाँ पर जो टिकट के दावेदार थे, खास रूप से महिला नेत्रियों के द्वारा कहा गया है, गुलाब सिवर हो चाहे द्रौपदी मेघवाल हो, उनके द्वारा कहा गया कि हम निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने का मानस बना रहे हैं। देखते हैं बीजेपी पार्टी जो निर्दलीय चुनाव लड़ने की बातें हो रही हैं उनको कैसे एडजस्ट कर पाती है, कैसे मान मुनहार कर उनको विरोध के जो स्वर उठे हुए हैं उसको शांत करने का काम करती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो नौहर की सीट अमित चान के नाम पर टिकट दी गई है, वह किस प्रकार आगे अपने वहाँ पर प्रचार को आगे बढ़ाते हुए जनता को अपनी तरफ करने का प्रयास करते हैं, तमाम बातें देखने वाली होंगी। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।